तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक चैनल। जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो और लाइक कर दो। और आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में, जो अभी इसका क्वार्टर रिजल्ट आ गया मार्च का। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, वोडाफोन आइडिया पोस्टेड नेट लॉस अब 7022.8 करोड़ फॉर मार्च क्वार्टर में इसका 7022.8। तो इसमें लिखा है वोडाफोन आइडिया पोस्टेड नेट लॉस 7022.8 करोड़ फॉर मार्च क्वार्टर। इट इज पोस्टेड आर एस 11643 करोड़ इन द कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस स्पेशल। इसमें बोला गया कि प्रीवियस क्वार्टर में बीबीए लॉस किया था। देखिए यहाँ पर 11643.5 करोड़ इसमें लॉस किया है। ठीक है, अभी देखते हैं इसका और क्या न्यूज आया इसमें। इसके लिए वोडाफोन आइडिया ऑन June 30 रिपोर्टेड इज कंसोलिडेटेड नेट लॉस 7022.8 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंड March 31, 2020। इट हैज पोस्टेड लॉस ऑफ 11643.5 करोड़ इन द करस्पॉन्डिंग क्वार्टर। इसमें बोला गया है, देखिए इसमें बोला गया है कि ये कंपनी बहुत लॉस में है। अभी इसका जून थर्टी की रिपोर्ट आया था 7022.8 करोड़ लॉस हुआ था। मार्च 31, 2020 में। ठीक है, प्रीवियस का आया था इसका, देखिए 11643.5 करोड़ प्रीवियस का आया था। इन दिसंबर क्वार्टर द कंपनी हैज लॉस 24,5321 करोड़ लॉस। दिसंबर में इसका 4,532.1 करोड़ आया था। ठीक है, द कंपनी फुल फाइनेंशियल ईयर 2021 डेब्ट रिटर्न टेलीकॉम फर्म नेट लॉस केम इन 44,233.1 करोड़ अगेंस्ट। इसमें बोला गया है कि देखिए यहाँ पर बोल गया है ये नेट लॉस 44,233.1 करोड़ अगेंस्ट 7,387.81 करोड़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के बदले में ये साल क्या है 44.233 करोड़। ठीक है, अभी देखते हैं और क्या न्यूज आया इसका। और कुछ न्यूज नहीं आया। देखिए आप देख के अभी इसमें पैसा लगाना चाहिए, मतलब अभी ऐसे बेवकूफ़ी मत करना। ठीक है, क्योंकि अभी पैसा डूब गया तो फंस जाओगे सब, क्योंकि इसका लॉस बहुत चल रहा है। 7,000 लॉस इस क्वार्टर में हो गया। ठीक है, डेप रिड्यूस कर रहा है बट इतना नहीं कर पा रहा है। देखिए इसका इसमें बोला गया है कि प्रीवियस ईयर में इसका जितना था अभी कम हो रहा है, उतना नहीं हो रहा है। देखिए 11,643.5 करोड़ प्रीवियस ईयर का था, अभी इस क्वार्टर में 7,022, मतलब उतना तो नहीं हो रहा प्रीवियस ईयर का था। दिसंबर का लॉस ये बोल रहा है कि दिसंबर का बोल रहा है 4,532 करोड़ लॉस हुआ था कंपनी को क्वार्टर में, अभी 7,000 पहुँच गया। तो अभी कंपनी बहुत लॉस में है, तो देख के शेयर खरीदो, ऐसे पैसा मत लगाओ क्योंकि बहुत मेहनत का पैसा है। ठीक है, तो ऐसे भी पैसा ऐसे शेयर में मत लगाओ, देख के थोड़ा सोच के लगाओ। ठीक है, और लगाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए लगा दो, 2 साल 3 साल 5 साल के लिए। ठीक है, तो अभी तो ग्रोथ करेगा, बहुत दिक्कत हो रहा है कंपनी, इसलिए तो फंड रेज कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है, रखता हूँ।